अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आपका मेज़बान रूहानी मौलिज हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी। आज का हमारा मौजू है नीले धागे से तशख़ीस करने का तरीक़ा। तशख़ीस के हमारी बहुत सी वीडियो, बहुत से आमाल हमारे मौजूद हैं। ये जो तशख़ीस का तरीक़ा है, इसको आमिलीन हज़रात इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सारे आमिलीन इस्तेमाल करते हैं, और घर का कोई भी फ़र्द जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकता है सहूलत के साथ, आसानी के साथ, अपने घर में इज़्ज़त के साथ। अपने तशख़ीस ख़ुद करें और अपना इलाज ख़ुद करें। आप किसी की मोहताजी ना लें, आप अपना अमल आमिल ख़ुद बनें। हमारे इदारे का ये मौक़िफ़ है कि आप अपना इलाज ख़ुद करें, आप अपनी तशख़ीस ख़ुद करें, आप इस काबिल हों कि अपने मामलात को ख़ुद देखें। इससे आपको कई फ़वाद हासिल होते हैं। एक तो ये होता है कि आपके ऊपर जादू जिन्नात जल्दी से असर नहीं करता, आपकी ताकत, आपकी रूहानी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि बहुत सारे आमार, बहुत सारे जिन्नात जादू जो हैं वो आपके करीब भी नहीं आते हैं। ये जो अमल आपकी ख़िदमत में पेश कर रहा हूँ, ये नीले धागे से तशख़ीस का अमल है। नीला धागा आप ले लें, सूती कोई सा भी बारीक ले लें, मोटा ले लें, वो जैसे आपको सहूलत हो वो वैसे आप कर लें। उसके आपने मरीज़ के कद के बराबर आपने नाप लेना है उसको, धागे को, मतलब सर से बाल, सर के बालों से लेकर, यहाँ से लेकर पाँव के नाखून तक आपने नाप लेने हैं। सात धागे लेने हैं। सात धागे लेने के बाद आपने उन धागों को आपने अपने पास बिल्कुल सीधा सीधा लिटा लेना है। लिटाने के बाद आपने ये जो अमल आपकी ख़िदमत में पेश कर रहा हूँ, इसको आपने पढ़ना है। أقسمت عليكم يا شمس رن أخبرني بالإسرار الجلي والحق بحق رؤياي يوسف عليه السلام وبحرمتي لا يعلم الغيب إلا الله। इस अमल को उन धागों के ऊपर सात मरतबा पढ़कर दम करें, और उसके बाद दोबारा मरीज़ के कद के साथ उसको जैसे पहले नापा था वैसे नाप लें। अगर ये धागे छोटे हो गए हैं तो इसका मतलब है जादू है, और अगर धागे बढ़ गए हैं मरीज़ से तो इसका मतलब है जिन्नात हैं, और अगर जिन्नात की हाज़िरी होती है, जिन्नात ज़ाहरी मौजूद हैं, तो फिर आप किसी मालिश से राबता करें अपने एतमाद वाले से, और अगर असरात हैं तो फिर आप अपना इलाज ख़ुद करें, कोशिश करें, मेहनत करें, मरीज़ को हिसार के अमल दें। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इलाज की बहुत सी वीडियो मौजूद हैं, उनसे आप अपना इलाज करें, अपने घर का इलाज करें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको किसी आमिल के पास, किसी मालिज के पास अपनी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस अमल को अपने अहबाब तक, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब तक पहुँचाएँ, और मखलूक की खिदमत की नीयत से लोगों तक पहुँचाएँ, और इसकी जो तस्वीरी शक्ल है वो आपको हमारे फेसबुक पेज, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारे यूट्यूब चैनल से मिल सकती है। जो साथी चाहते हैं कि उनको हमारी वीडियोस, हमारे आमाल जो हैं बरवक्त मौसूल मोबाइल पे होते रहें, तो वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप कर ग्रुप ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। इन तमाम के लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।